व्याकरण निरूपण। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूं। ये व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए। सुबंत और निडंत ये दो प्रकार के पद होते हैं। सुप प्रत्यय सात विभक्तियों में बटे हैं, सु औ जस। यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में, संबोधन अर्थ में, लिंगादि बोधक अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने पर कर्तवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अम औट शस ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरा अंतरेण पदों में योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। टा भ्याम भिस ये तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति करण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। ङे भ्याम भ्यस ये चतुर्थ विभक्ति है। चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रुच्यर्थक धातु के योग में तृप्त होने वाले की ऋण्यंत ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमरण की एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। रणसी भ्याम भ्यस ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अर्थ में होती है। जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। रणस ओस और आम ये षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्य रूप से स्व स्वामी भाव संबंध में होती है। वस्तुतः संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में एक शतम षट्यर्थाम षष्ठी विभक्ति के सौ अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंधेय है। घड़ी ओस सुप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपश्लेषिक वैषयिक और अभिव्यापक भेद से तीन प्रकार का होता है। वारणार्थक धातु के योग में इसिप्त और अनिसिप्त की भी उपादान संज्ञा होती है। वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इसिप्त अभिष्ट हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनिप्सित अनिच्छित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनी संज्ञक परि अप आंग के योग में तथा इतर त्रिते बिना अन्य दिक दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्यांत के एन योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक पदों की योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में इत्थम्भूत तथा आख्यान अर्थ में वीप्सा अर्थ में प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की, अधिक अर्थ में उप उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अध्ववाचक शब्द के कर्म में और गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीय तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थ विभक्ति होती है। दिवादिगढ़ में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणिवाचक पद में द्वितीय और चतुर्थ विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट का योग होने पर तथा तादर्थ के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थ से विहित तुमुन प्रत्ययांत से चतुर्थी होती है। सह शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है।
कालार्थक तथा भावार्थक शब्दों में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रतिभ और प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतु घोत्य होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रतियत्नार्थक क्री धातु के कर्म में तथा शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होती है। हिंसार्थक, जासनी पूर्वक और प्रपूर्वक, हन आदि और नाट, क्रात एवं पिश धातुओं के कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा प्रत्ययांत के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती। प्रातिपदिक नाम और नाम धातु इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओं से लट आदि 10 लकार होते हैं, जिनके स्थान पर तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप, तस, झी प्रथम पुरुष है। सिप, थस, थ मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है और मिप, वस, मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय त, आताम, झ की प्रथम पुरुष संज्ञा तथा थास, आथाम, ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इट, वहिंग, महिंग की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मय पद एवं आत्मने पद प्रत्यय णिच आदि प्रत्ययों की भांति धातु से विहित होते हैं। युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में युष्मद शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष और कर्ता के रूप में अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन, क्यच, काम्यच आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तथा स्म का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनधतन भूत के अर्थ में लंक लाकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग होता है उसे विधिलिंग तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लिंग होता है उसे आशिष्ट लिंग कहते हैं। भविष्य सामान्य में लुट लकार होता है और अनधतन भविष्य में लुट लकार होता है। हेतु हेतुम तद्भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में लृंग लकार होता है। लृंग के अर्थ में लेट लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेदों में होता है। लकार सकर्मक धातु से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातु से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार तव्यत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनियर त्रिच आदि प्रत्यय होते हैं। व्याकरण सार। सूत जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं संहिता आदि से युक्त सिद्ध शब्दों को
बतलाने जा रहा हूं, आप उसे सुने। सागता वीदम सुत्तमम पित्तर्षभ लृंकार, इन पदों में दीर्घ संधि है। लांगलीशा मनीषा यहां पर रूप संधि है। इसी प्रकार गंगोदकम यहां गुड़ हुआ है। तवलकार यहां गुड़। त्रिडारणम प्रारणम वृद्धि। शीतार्थ में दीर्घ। सैंद्री सौकर में वृद्धि। बद्धवासन पित्रर्थ। अनुबंध में यण। नायक लवणम गांव में अयादि। यते गुण त ईश्वरा में आय और यलोप, ये शब्द स्वर संधि के उदाहरण है। देवी गृहमथो अत्र अवेहि पटु इमाओ, इनमें प्रकृति भाव है। अश्वा षड्यस्य जस्त्वा तन्न अनुनासिक वाक चतर्व षंड दलानि जस्त्वा तच्चरेत श्रुच्छत तत्रव तल्लुनाति परस्वर्ण तज्जलम श्रुच्छत तक्षम शानकम छत्व शुच्छत्व सुगन्नडत्र पच्चन्नन नुट आगम भवाश छादयत्ति अनुस्वार सुट श्रुच्छत्व भवान झंकर परस्वर्ण भवान स्तरत अनुस्वार सुट भावां लिखित पारस्वर्ण तांचक्रे श्रुच्युत भवाश्चेत श्रुच्युत भवान डीनम त्वंतरसि त्वंकरोषि पारस्वर्ण, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। सदा चरणम दीर्घ कश्चरेत श्रुच्युत कृष्टकारेण श्रुष्टुत्व ककुर्यात कफले जिह्वा मूलीड विसर्ग कश्येत श्रुच्युत कषंड षष्टुत्व कस्क सत्व क इहात्र क एवाहु देर्वा आहु भो व्रज रुत्व यत्व यलोप स्वयंभू विष्णु वर्जति रुत्व गीष्पति शत्व धुरपति रुत्व कुटिच छाया तुक श्रुच्युत तथा छाया तुक विकल्प, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। समास छह प्रकार के होते हैं। द्वंद द्विग तत्पुरुष कर्मधाराय बहुव्रीहि अव्ययी भाव सद्विज स्वदिज कर्मधाराय त्रिवेद त्रयाणाम वेदाम समाहार द्विगु तत्कृतम तदर्थ वृक्भीति यद्धनम ज्ञान दक्ष, इनमें क्रमशः तेन कृत तस्मय अर्थ वृक्काद भीत यस्य धनम ज्ञान दक्ष, इस व्युत्पत्ति से तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास है। तत्वज्ञ में बहुव्रीहि तथा अधिमान में अव्ययी भाव समास है। देवर्षि मानवा में देवश्च ऋषिश्च मानश्च, इस व्युत्पत्ति से द्वंद समास है। पांडव पांडो अपत्यमिति पांडव इत्यर्थे अड़। शैव शिवो देवतास इत्यर्थे अड़। ब्राह्यम ब्राह्मण भाव कर्म इत्यर्थे त्यज तथा ब्रह्मता ब्राह्मण भाव इत्यर्थे तल आदि तद्वित प्रत्ययांत शब्द है।
देव अग्नि सखी पति अंश क्रोष्टा सियार स्वयंभु पित्र नृ प्रशस्ता प्रशंसक राय धन गौ और ग्लौ चांद्रमा, ये अत्यंत पुलिंग के सिद्ध शब्द हैं। अश्वयुक घोड़े से युक्त, क्षमाभुक पृथ्वी का उपभोग करने वाला राजा, मरुत पवन, क्रव्याद मृगव्यध मृग का पीछा करने वाला शिकारी, आत्मन राजन राजा, यव पंथा मार्ग, पूषण सूर्य, ब्रह्मन ब्राह्मण को मारने वाला ब्रह्मघाती, हलिन हल धारण करने वाला मनुष्य, विट जार पुरुष, वेधस विधाता, उष्णस उष्णा शुक्राचार्य, अनंगवान गाड़ी खींचने वाला बैल, मधुलिट शहद चाटने वाला भौरा तथा काष्ट तट कठफोर पक्षी या बढ़ई। ये हलंत पुलिंग के अंतर्गत आने वाले सिद्ध शब्द हैं। वन जंगल, वार जल, अस्थि हड्डी, वस्तु सामग्री, जगत संसार, साम अहम कर्म सर्पिश घी, वयुष शरीर, तेजस ऊर्जा, ये आदि के चार शब्द अजंत और शेष हल प्रत्ययांत नपुंसक लिंग के सिद्ध रूप हैं। जाया पत्नी, जरा वृद्धावस्था, नदी लक्ष्मी, श्री स्त्री, भूमि वधु भ्रू, भौं पुनर्भ पुनर्जन, धेनु गौ, स्वासा बहन, मातृ माता तथा नौ नौका, ये अजंत स्त्रीलिंग के सिद्ध रूप हैं। वाक वाणी, स्त्रक माला, दिक दिशा, मुद मुदा प्रसन्नता, क्रुद क्रोध, युवति ककुभ धौ आकाश, दिव स्वर्ग, प्रावृट वर्षा, सुमना और उष्णिक, ये हलंत स्त्रीलिंग सिद्ध रूप है। अब मैं आपको गुण द्रव्य और क्रिया के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को भी बतला रहा हूं। शुक्ल श्वेत की लालक अमृत के समान पेय पदार्थ, शुच पवित्रता, ग्रामणी गांव का अधिकारी, सुधी विद्वान, पटु चतुर, कमलभ कमल से उत्पन्न ब्रह्मा या पराग, कर्त्र कर्ता, सुमत सुंदर विचारों वाला पुरुष, सुन पुत्र, सत्या अभक्ष न खाने योग्य, दीर्धपा सर्व विश्वा, उभय दो उभाव, एक अन्या दूसरी और अन्यंतरा दूसरे में प्रमुख, ये सब गुण प्रधान शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसके बाद डतर उच्चतर, डतम उच्चतम, नेम तू तो, सम समान, अथ तदनंतर, सिम प्रत्येक, इतर अतिरिक्त, पूर्व प्राचीन, अध नीचे, च और, दक्षिण दक्षिण दिशा, उत्तर उत्तर दिशा, अवर अधम, पर दूसरे, अंतर एतद यह, यद्धत जो जो, किम क्या, अदस यह, इदम यह, युष्मत तुम, अस्मत मैं हम, तत वह, प्रथम पहला, चरम अंतिम, अल्पतया संक्षेप, अर्ध आधा तथा और, कतिपय कुछ, द्वौ दो, चेत और ऐसा, एवं इस प्रकार। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं, इनको सर्वाधिगण में परिगृहित किया गया है। श्रीड़ोति सुनता है, जुहोति हवन करता है, जहाति परित्याग करता है, दधाति धारण करता है, दीप्यति तेजस्वी बना रहता है, स्तुयति स्तुति करता है, पुत्रियति पुत्र के समान व्यवहार करता है, धनीयति धनवान बन रहता है,
त्रयुट्यति म्रियते मर रहा है, चिचिषति संग्रह की इच्छा कर रहा है, तथा निनिषति ले जाने की इच्छा कर रहा है। ये कतिपय तिदंत के सिद्ध रूप हैं। सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे, चतुर्थ विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मै, पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेषाम रूप बनता है। इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों को भी आप जाने। पहले कहे गए पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूर्वे पूर्वा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मात् और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मिन् रूप बनता है। सूत जी ने कहा है, हे ऋषियों, सुबंत और तिदंत पदों के सिद्ध रूप का वर्णन नाम मात्र ही किया गया है। कुमार से इस व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने इसको विस्तार पूर्वक कहा था।